छात्रों नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु लेते हैं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा में काफ़ी अधिक हो तथा उसके लंबाई के अनुदिश एक बल F लगाते हैं जिसके कारण उसकी लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कोई हमने ऐसी वस्तु ली जो जिसकी लंबाई कैपिटल L है, तो ये लंबाई इसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा में काफ़ी अधिक है तथा इस पर इसकी लंबाई के अनुदिश नीचे की तरफ एक F बल लगाया गया जिसके कारण ये जो वस्तु है छड़ है स्मॉल एल इसकी लंबाई और बढ़ जाती है। तो वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तथा उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब मान लीजिए ये एल लंबाई का कोई तार है जिस पर नीचे की तरफ F बल लगाया गया जिसके कारण इसकी लंबाई स्मॉल l यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है। इस तार को नीचे की तरफ खींचा जाता है तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाती है, यानी इस तार के एक सिरे को स्थिर रखा गया है और दूसरे सिरे को नीचे की तरफ F बल लगा खींचा गया है जिसके कारण इसकी लंबाई पहले थी कैपिटल L और बल लगाने से स्मॉल l इतनी लंबाई इसकी बढ़ जाती है। तो इसमें उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति होगी, वो होगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, यानी लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। तो इतनी लंबाई में वृद्धि हुई तो स्मॉल एल अपॉन इतनी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, तो ये होगी इसमें उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति। अब मान लीजिए माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए। चूंकि तार पर लंबाई की दिशा में एफ बल लगाया गया है, मान लीजिए इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये है ए, इस तार पर नीचे की तरफ एफ बल लगाया गया है, तो इस तार में जो उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा वो होगा इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अतः उख के नियम से यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो बाई इक्वल टू होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये प्रतिबल की वैल्यू है और ये विकृति की वैल्यू है, इन दोनों को इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा यानी बाई इक्वल टू प्रतिबल एफ अपॉन ए बटे में आ जाएगी विकृति यानी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये कैलकुलेट करके ये हो जाएगा यानी एल ऊपर पहुंच जाएगा एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाय यूगल टू एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल। अब मान लीजिए यदि तार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए उसके दूसरे सिरे पर कैपिटल एम द्रव्यमान लटकाया जाता है तथा तार की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो उस समय जो एफ होगा वो होगा एफ यूगल टू एम जी और उस तार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो ये बाई इक्वल टू हो जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ये भी एक फॉर्मूला होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका बिमी सूत्र होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान है वो सिर्फ ठोसों में पाया जाता है, क्योंकि द्रवों तथा गैसों में अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ नहीं पाई जाती है, तो इसलिए द्रवों तथा गैसों में यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान शून्य होता है। धन्यवाद दोस्तों।